एवरीवन, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जेईई मेंस 2016 सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 3B। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. हमारा क्वेश्चन है, डिजाइन अ कांस्टेंट थिकनेस फुटिंग फॉर अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम ऑफ 300 mm x 300 mm। द कॉलम इज कैरिंग एन एक्सेल वर्किंग लोड ऑफ 600 kN। The bearing capacity of soil is 200 kN/m². Use M25 concrete and HYST Fe415 bars. Use limit state design method. तो चलिए इस मेथड को यूज करते हुए हम डिजाइन करते हैं। क्वेश्चन में बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दे रखा है हमारा 200 kN/m², ठीक है। वर्किंग लोड दे रखा है हमारा 600 kN, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल लोड ऑन सॉइल। टोटल लोड ऑन सॉइल कैसे फाइंड करेंगे? लोड ऑन कॉलम, कॉलम पे जितनी लोड लगी है प्लस सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, ठीक है। लोड ऑन कॉलम, लोड ऑन कॉलम प्लस सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग। तो लोड ऑन कॉलम तो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, 600 किलो न्यूटन, लेकिन सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग नहीं दिया। तो इसे हम क्या करते हैं, 10% अज्यूम कर लेते हैं लोड ऑन कॉलम को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 600 + 600 का 10%, तो 600 × 10/100 तुम्हारी वैल्यू आ जाती है क्या, 660 kN, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एरिया ऑफ फुटिंग फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ फुटिंग कैसे फाइंड करेंगे, टोटल लोड ऑन सॉइल अपॉन बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो एरिया ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 660 अपॉन बेयरिंग कैपेसिटी, क्या हुआ दिया हुआ था 200, है ना, 200 इज इक्वल टू आ जाता है हमारा 3.3 m², ठीक है। हमें एरिया तो पता हो गया फुटिंग का, लेकिन हमें डायमेंशन पता नहीं है, साइज़ क्या है फुटिंग का ये नहीं पता। तो हम साइज ऑफ फुटिंग फाइंड करते हैं कैसे, इसके डायमेंशन पता करके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, b m × b m का एक डायमेंशन ले लेते हैं। एरिया तो ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। तो b² इज इक्वल टू 3.3, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3.3, है ना, √3.3। तो हमारी b की वैल्यू आ जाती है 1.817, है ना, 1.817, जो अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं b का 2 m, ठीक है। अब हमें पता चल गया डायमेंशन जो इसकी होगी 2 m × 2 m की होगी, ठीक है। तो प्रोवाइड फुटिंग ऑफ साइज 2 m × 2 m। फुटिंग ऑफ साइज 2 m × 2 m, यानी इस फुटिंग का डायमेंशन भी हमें पता चल चुका। अब हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं फैक्टर नेट सॉइल प्रेशर, ठीक है, फैक्टर नेट सॉइल प्रेशर। तो ये फाइंड कर रहे हैं 1.5 × 600/4, है ना। तो ये हमारा वैल्यू आ जाता है 225 kN/m², ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फुटिंग का डेप्थ कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ ऑफ फुटिंग, कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ ऑफ फुटिंग। इसमें सबसे पहले हम वन वे शेयर के लिए देखेंगे, फिर टू वे शेयर के लिए देखेंगे, फिर फ्लेक्सर के लिए देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, फर्स्ट हमारा हो जाएगा फोर वन वे शेयर, ठीक है। तो वन वे शेयर में सबसे पहले हम बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना, फोर वन वे शेयर बी इज इक्वल टू। सबसे पहले हम देखें, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि हमारी फुटिंग के डायमेंशन जो दी हुई थी हमने फाइंड किया अभी 2 m × 2 m। तो ये हमारा फुटिंग हो गया, इसके डायमेंशन दी हुई है 2 m, और ये भी हो गया हमारे 2 m, ठीक है, है ना, ये दिया हुआ है। अब कॉलम का साइज़ जो दिया हुआ था कॉन्क्रीट कॉलम का, वो क्या था, 300 mm × 300 mm। तो ये हमारी हो गई 300 mm × 300 mm, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, डी जो फाइंड करने वाले हैं, आगे बात समझ में। ये हमारी हो गई 1 − 0.15 − t, इसका मतलब 0.85 − t हो गया हमारा, ठीक है। और ये ब्रोकन लाइन जो शो कर रही है, ये हमारा हो गया क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शेयर, है ना, क्रिटिकल सेक्शन 6/4 वन वे शेयर, है ना, चलो ठीक है। तो अब वी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वी इज इक्वल टू 2 × 1 − 0.15 − d × हमने अभी फैक्टर नेट प्रेशर फाइंड किया हुआ था 225, ठीक है, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। टाउ भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2 ×
वन माइनस पॉइंट फाइव पॉइंट एट फाइव हो जाएगा, पॉइंट एट फाइव माइनस डी इन टू टू ट्वेंटी फाइव, टू ट्वेंटी फाइव अपॉन, ये तो ठीक है, ये भी हमने फाइंड किया। अब टॉप भी हम फाइंड करना चाहेंगे तो हमारा हो जाएगा टू इंटू ट्वेंटी फाइव फोर फिफ्टी हो जाएगा, पॉइंट एट फाइव माइनस डी है ना, और अपॉन टू डी किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, अज्यूम करना है हमें पॉइंट टू फाइव परसेंट स्टील, अज्यूम पॉइंट टू फाइव परसेंट स्टील, तो हमारी टाउ सी आ जाएगी, टाउ सी इज इक्वल टू पॉइंट थ्री सिक्स न्यूटन पर एम एम स्क्वायर फोर फॉर एम ट्वेंटी फाइव ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ये तुम्हें देखना है अगर इस 456:2000 की कोड पे टेबल नंबर 19 पे जाके देख लेना, ठीक है। तो ये देख लिया, अज्यूम कर लेना है के इज इक्वल टू वन, देन क्या होगा कि ओवरऑल डेप्थ जो होगा स्लैब का वो 3 mm से ग्रेटर होना चाहिए, डेप्थ इज ग्रेटर देन, डेप्थ ऑफ स्लैब इज ग्रेटर देन 300 mm, चलो ठीक है। यानी टॉप इज लेस देन के टॉप सी है ना, टॉप इज लेस देन के टॉप सी। अब यहाँ से हम डेप्थ फाइंड कर लेंगे, डी फाइंड कर लेंगे फुटिंग का, तो यहाँ पे पहले वैल्यू रखते हैं 450 इंटू पॉइंट टू फाइव माइनस डी अपॉन टू डी, टू डी इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री लेस देन 0.36 है ना, 0.36। चलो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाती है क्या, डी इज ग्रेटर देन 0.327 mm, ओके ये आ गई। चलो अब हम डिस्कस करेंगे फोर टू वे शेयर के लिए है ना, टू वे शेयर के लिए, फोर टू वे शेयर। यहाँ पर टू वे शेयर में सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, नेट पंचिंग फोर्स फाइंड करेंगे है ना, बात समझ में आ रही है, नेट पंचिंग फोर्स फाइंड करेंगे। तो ये देखो हमने क्या किया, एक फुटिंग बनाया, फुटिंग का डायमेंशन ऑलरेडी हमें पता था है ना, फुटिंग का डायमेंशन पता था, कॉलम का साइज़ भी हमें पता है, ये हमारी क्रिटिकल सेक्शन होगी है ना, और कॉलम की साइज़ क्या दी हुई थी 300 mm × 300 mm, मतलब हम लिख सकते हैं 0.3 m × 0.3 m है ना। चलो ये हमारी क्या हो गई, क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शेयर, क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शेयर, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो हमारा दिया हुआ डायमेंशन, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक हमारा हो जाएगा क्या 0.3 + d है ना, 0.3 + d, और यहाँ तक के यहाँ सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा आ जाएगा 0.3 + d। चलो ये तो बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे हम नेट पंचिंग फोर्स फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो नेट पंचिंग फोर्स एफ पी इज इक्वल टू पंचिंग फोर्स एफ पी इज इक्वल टू 2 × 2 − 2 − 0.3 + d² 0.3 + d² इंटू 225 किलोमीटर, ठीक है। तो एफ पी इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो तो 4 − 0.3 + d क्या स्क्वायर इंटू 225। तो यहाँ पे पंचिंग शेयर अगर फाइंड करना चाहेंगे तो ठीक है, पंचिंग शेयर कैसे फाइंड करेंगे हम, नेट पंचिंग फोर्स अपन पेरिमीटर टू डी है ना, पंचिंग शेयर इज इक्वल टू नेट पंचिंग फोर्स एफ पी अपॉन पेरीमीटर टू डी। पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, पेरीमीटर हमारा क्या डायमेंशन दिया हुआ है ना 0.330 0.3 + d, तो 4 times कर देंगे इसको, तो हमारा डायमेंशन पता है, ये पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा है ना। तो टॉप ऑफ ए पी इज इक्वल टू एफ पी क्या दिया हुआ था 4 − 0.3 + d क्या स्क्वायर इंटू 225, ठीक है। पेरीमीटर तो फाइंड के लिए बताए 4 × क्या उसका डायमेंशन जो था 0.43 + d है ना, इंटू डी किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे से क्या होना चाहिए, क्या वैल्यू होगा, टॉप वी पी इज लेस देन केस इंटू टॉप सी पी, आगे बात समझ में, हाँ यहाँ तक तो समझ में आ गया बात। अब टॉप सी पी फाइंड करना होगा ना हमें, तो याद रखो यहाँ पे टॉप सी पी इज इक्वल टू 0.25 अंडर रूट एफ सी के है ना, टॉप सी पी इज इक्वल टू 0.25 अंडर रूट एफ सी के है ना। तो 0.25 हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गई 20, तो हमारी वैल्यू आ जाती है टॉप सी पी की 1.118 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है ये हो गई। चलो अब केस इज इक्वल टू 0.5 + β इज नोट ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 0.5 + 1 बीटा इज इक्वल टू 0.3/3 इज इक्वल टू 1। चलो यानी यहाँ से केस इज इक्वल टू 1 आ गया,
ये तो वेल फंड हो गई। तो टाउ वी पी लेस देन केस इनटू टाउ सी पी, लेस देन टाउ सी पी, ठीक है। अब सारी वैल्यू को इक्वेट करते हैं यहाँ पे, 4-0.3 प्लस डी के स्क्वायर इंटू 225 अपॉन 4 इंटू 0.3 प्लस डी इंटू डी, है ना, पेरीमीटर इंटू डी था ना, तो डी इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज लेस देन 1.118 इंटू 1। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, डी की वैल्यू आ जाती है ग्रेटर देन 0.303 मीटर, 3 मीटर। अब हम फ्लेक्सर की बात करेंगे, है ना, फ्लेक्सर की बात करेंगे। तो फ्लेक्सर की बात करते हैं, आपने अपने फुटिंग बना लिया है ना, ये हमारी कॉलम थी, कॉलम थी, थी कॉलम यहाँ पे, ये हमारी क्या हो गई 2-0.3 अपॉन 2, तो ये इसका मतलब हो जाता है हमारा 0.85, है ना। ये ब्रोकन लाइन हमारे क्या है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग है, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट हम फाइंड कर लेते हैं पहले, है ना, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, ये सब समझ में आ रही होगी, इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होगा 225 इंटू 0.85 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, आ जाता हमारे वैल्यू 162.562 किलो न्यूटन मीटर। आगे बात, अब क्या होगा कि अंडर रेनफोर्स का कंडीशन तुम्हें पता होगा, सेक्शन अगर अगर अंडर रेनफोर्स होगी तो एम यू क्या होता है, एम यू लिमिट के लेस होता है, एम यू लिमिट से लेस होता है या इक्वल होता है, ठीक है। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए एम यू इज लेस दैन इक्वल टू एम यू लिमिट, ठीक है, ये बात समझ में आ चुकी है। ने अभी बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू फाइंड किया हुआ था 162.562 इंटू 10 टू द पावर 6, है ना, 10 टू द पावर 6 लेस देन इक्वल टू 0.36 एफ सी के एक्स यू लिमिट बी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट। यहाँ पर डी माइनस 0.42 क्या है ना, यहाँ पर लिवर आर्म है, ठीक है, लिवर माता की डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट, ठीक है। एक्स यू लिमिट के लिए भी हम तुम्हें बताएंगे कैसे, 162.562, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर डी का वैल्यू जो आ जाता है ग्रेटर देन 153.51 एमएम आ जाएगा, ठीक है, सारी वैल्यू को पुट करके यहाँ पे कैलकुलेट करना, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें बता दें एक्स यू लिमिट जो था, मैं याद रखना 415 के लिए क्या होता है 0.48 डी होता है ना जी, 0.48 डी, ठीक है, ये हमारा क्या होता है डी माइनस पॉइंट। चलो अब फाइंड कर देखें कैलकुलेशन ऑफ एरिया फर्स्ट, हाँ एक बात और है, यहाँ पे प्रोवाइड करते इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग स्लैब डी इज इक्वल टू 350 mm, है ना, हेंस प्रोवाइड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग स्लैब, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग स्लैब डी इज इक्वल टू 350 mm, चलो ये बात तो हो गई। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या एरिया ऑफ स्टील, तो एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेशन, तो इसे भी हम बेंडिंग मोमेंट के थ्रू ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू तो पता है ना, फ्लेक्सर से हमने पता कर लिया, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। अब बेंडिंग मोमेंट के थ्रू ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ स्टील, क्योंकि सारी वैल्यू नोन है हमारे पास, सिर्फ हमें एरिया ऑफ स्टील नहीं पता। तो एम यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई एस टी, एरिया ऑफ स्टील है ना, इंटू डी माइनस 0.42 इंटू 0.87 एफ वाई इंटू एरिया ऑफ स्टील अपॉन 0.36 एफ सी के बी, एफ सी के बी। चलो ये तो मैं बताऊंगा, अब सारी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो 162.562 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा एम यू की वैल्यू, हमने भी फाइंड किया हुआ है। 0.87 एफ वाई हमारे क्या था, 415 है, ठीक है, 415 है, एरिया ऑफ स्टील हो जाएगा ये, है ना, ए एस टी जो हमें फाइंड करनी है, ये हो जाएगा डी की वैल्यू 350 mm, 350 माइनस 0.42 इंटू 0.87 इंटू 415 इंटू एरिया ऑफ स्टील अपॉन 0.36 एफ सी के, क्या दिया हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 25 लेनी है, 2000 हो गया हमारे ये वैल्यू। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्टील फाइंड हो जाता है हमारा 1328.93 mm square। चलो चूंकि नंबर ऑफ 12 बार्स आर रिक्वायर्ड 1328.93, इतनी एरिया है, कितनी जरूरत है देख लेते हैं, 0.26 square, तो हो जाएगा हमारा 11.75। तो हमें कितनी जरूरत पड़ जाएगी, 12 बार की जरूरत पड़ेगी,
ट्वेल्व ही नंबर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं, फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड, कितना परसेंट प्रोवाइडेड है, परसेंट ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज इक्वल टू कितना नंबर था, 12 था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, डी हमारे क्या था 12, ठीक है, अपॉन 2000 इंटू 350 है ना, इंटू 100, परसेंट में फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो आ रहा है हमें 0.194%, जो कि क्या है 0.25% से लेस है ना। तो हम कौन सी वैल्यू अडोप्ट कर लेंगे, हम अडोप्ट करेंगे वैल्यू को 0.25% वाली वैल्यू को, है ना। चलो तो आप एक नोट लिख लेना क्या, कि नोट दैट 0.25% स्टिल हैज बिन अडोप्टेड वाइल चेकिंग फॉर वन वे शेयर, 0.25% स्टिल अडोप्ट वाइल चेकिंग फॉर वन वे शेयर। चलो तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, लेट अस प्रोवाइड परसेंट ऑफ स्टिल 0.25%, स्टील, ठीक है, 0.25%। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्टील फाइंड कर लेते हैं फिर, है ना। एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू 0.25 अपॉन 100 इंटू 2000 जो 350, 0.25% ऑफ बी डी है ना, तो एस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 1750 mm². चलो अब यहाँ से हम नंबर ऑफ बार भी प्रोवाइड कर लेते हैं, कितना नंबर ऑफ बार चाहिए रिक्वायर्ड है, तो 12 mm डाया का बार चाहिए प्रोवाइडेड है, टोटल चाहिए होता है टोटल चाहिए 16 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 50.47 वैल्यू आएगी, लेकिन हमें लेना कितना है, 16 लेना है, 16 लेनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्या रेनफोर्स जो होता है, रेनफोर्समेंट जो है 0.12% से ग्रेटर है, इसका मतलब ओके दिस रेनफोर्समेंट इज ग्रेटर दैन 0.21%, सो ओके। चलो अब स्पेसिंग देख लेते हैं, है ना, स्पेसिंग विल बी स्पेसिंग विल बी इज इक्वल टू 2000 माइनस 50 इंटू 2 माइनस 12 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 2 अपॉन 15। चलो तो 2000 में हो जाएगा अपॉन 100 माइनस 24 माइनस 12, यानी मतलब 1 and 36 माइनस कर देना है, तो आ जाता है 1864 अपॉन 15 इज इक्वल टू 124.26, है ना। चलो यानी स्पेसिंग इज नोट ग्रेटर देन स्पेसिंग 3D दैट इज 3 into 350, डी वैल्यू हमने फाइंड किया होता ना, डेप्थ 350 mm, चलो 300 mm, तो यहाँ पर क्या स्पेसिंग भी ओके है ना, चेक कर लिया हमने ऐसा स्पेसिंग इज ओके। अब क्या करना है, आप चेक करते हैं डेवलपमेंट लेंथ, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट 0.87 FY5 फोटो बी डी अपॉन फोटो बी डी है ना, तो 0.87 इंटू 415 FY जो होगी वैल्यू 415 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 1.6 है ना। हाँ यहाँ पे याद रखोगे क्या, याद रखना टॉप एडी फॉर M25 कॉन्क्रीट ग्रेड कॉन्क्रीट, टॉप एडी फॉर M25 ग्रेड कॉन्क्रीट इज इक्वल टू 1.4 newton per mm² है ना। चलो ये वैल्यू को हमने पुट कर दिया, तो आप फाइंड कर लेते हैं, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी डेवलपमेंट लेंथ की 40.2965 है ना, 40.2965। तो इसका क्या मतलब, हम इसे लिख सकते हैं क्या, 41.5 लिख सकते हैं ना, और 5 की वैल्यू भी हमें पता है 12 mm का डाय है ना, तो 41 इंटू 12 तो हमारी वैल्यू आ जाती है 492 mm। अब यहाँ पे नोटिस करो ना कि अवेलेबल लेंथ फाइंड कर लेते हैं, ये तो हमें पता हो गया ना 492 mm डेवलपमेंट लेंथ है, अवेलेबल लेंथ क्या हमारा है, तो अवेलेबल लेंथ जो होगी, अवेलेबल लेंथ हो गई हमारी 2000 माइनस 300 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 850। तो देखो डेवलपमेंट लेंथ से ये ज़्यादा आ जाएगा, 850 आ जाएगा ना, 1700 अपॉन 2 इज इक्वल टू 850। तो हमारे क्या होता है, अवेलेबल लेंथ जो होता है डेवलपमेंट लेंथ से ज़्यादा है, इसका मतलब ये भी हमारे ओके हो गए, ओके। चलो यहाँ पे एक नोट करने की बात ये है कि इस क्वेश्चन में क्या है, दिया नहीं है कि नंबर ऑफ बीम इन कॉलम कितना है, ये दिया हुआ नहीं है, तो डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं होगा डबल बार का, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ डबल बार नॉट पॉसिबल। चलो ये
थर्ड भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे।